कि एवरीबडी डू एक्टिंग राइट, हर कोई एक्ट करता है। अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हैं तो आप एक्टिंग कर रहे हैं। एक राज की बात बताऊं, एक्टर झूठा होता है। विलियम डिफो ने कहा है, आई नेवर एक्ट बट आई सिंपली ब्रिंग आउट द रियल एनिमल दैट्स इन मी। हाय गाइस, वेलकम टू पॉपसन। वैसे ना सामान आज तक मिला नहीं। Hi guys, my name is Bob Sandhu and I'm an actor and voiceover artist. Well, acting के अलावा मैं study में psychology कर रहा हूँ। So guys, हर कोई actor बनना चाहता है। और मेरे अगर मैं कहूँ तो acting is very very simple. It's very very simple. It's all about the feeling, guys. So everybody do acting, right? हर कोई act करता है। अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हैं तो आप acting कर रहे हैं। अगर आप school में अपने teacher से पकड़े जाते हैं कोई शरारत करते हुए तो आप acting करते हैं। नहीं सर, वो सर मैंने नहीं कहा था सर, इट्स ये भी एक्टिंग ही है। सो हर कोई एक्टर है। जब कोई एक्टर एक्टिंग करता है तो एक्चुअल में कैमरे से या फिर ऑडियंस से झूठ बोल रहा होता है उस करेक्टर को प्ले करके। सो हमें करेक्टर को फील करना है। बट व्हाट इज फीलिंग? समथिंग दैट यू फील इन योर माइंड एंड बॉडी। एक कैरेक्टर को फील कैसे करना है, उसको कैसे अपने अंदर ढालना है, उसी को मैं आपको बताऊंगा सिंपल वे में, इजी वे में। और सुनो, एक्टिंग कोई हवा नहीं है। सो गाइस, हर किसी को ना टेक्निकल बातें समझ नहीं आती यार। हर किसी का माइंड अलग अलग होता है। किसी को इजी वे समझ में आता है, किसी को सब वे समझ में आता है, किसी को मुश्किल में समझ आ जाता है। तो मैं आपको इजी में ही बताऊंगा, विदाउट थिएटर, विदाउट टेकिंग एनी ट्रेनिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। मैंने अपने आप पे वर्क किया, अपनी वॉइस पे वर्क किया, एक्सप्रेशन पे वर्क किया। सो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो मेरे चैनल में क्या होगा, एक्टिंग टिप्स वो तो होंगी होंगी ऑब्वियसली। एंड सेकेंड इज मूवी म्यूजिक, जो मूवीज होते हैं म्यूजिक होते हैं उनके जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन इन द सेंस लाइक उनमें जो गलतियां होती है काफी मूवीज में जो आपने देखी होगी, नोटिस की होगी अगर आप मूवी देखते हैं, तो उनमें कुछ गलतियां होती है, तो हम वो डिस्कस करेंगे, यू नो, टू मेक इट एंटरटेनिंग। एंड बॉलीवुड प्लस हॉलीवुड गॉसिप्स होंगी। जो सेलिब्रिटीज होते हैं आपने देखा होगा, अलग अलग लुक्स होते हैं, एयरपोर्ट लुक होता है, यू नो कैजुअल लुक होता है, एक फोटोशूट लुक होता है, तो हम उसे डिस्कस करेंगे और ये सब होगा। इसके अलावा और क्या चीज है, और क्या चीज है? देखो गाइज, आपने देखा होगा, आपने कॉन्फ्रेंस देखी होंगी, जो कॉन्फ्रेंसेज होती है सेलिब्रिटीज की, मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है, राइट? एंड वो इंटरव्यूज में जाते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंदे ने जो भी वीडियो देख रहा है उसने नोटिस किया होगा रिएक्शंस, यू नो, जो भी रिएक्शंस वो देते हैं। कभी जैसे कि माइक नहीं पकड़ा तो माइक हाथ से छूट गया, और जैसे कि कोई हाथ मिलाने आ रहा है सेलिब किसी और सेलिब से, ठीक है, और उसने एकदम से स्किप कर दिया। तो मतलब ये जो ऐसे ऐसे रिएक्शंस होते हैं ना, तो हम उनको डिस्कस करेंगे, यू नो, इसको उसको देखेंगे कि वो उस समय क्या सोच रही है। मेरे को बहुत परेशानी होती है ना, तो मेरे को तो बैंड ही कर देना चाहिए, तो मेरे को तो बैंड ही कर देना चाहिए। एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें डिस्कस करना, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस चीज को भी एड ऑन कर ले अपनी वीडियोस में। और मैं चाहता हूँ कि मैं और कंटेंट एक से एक अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊं, और आप लोग मुझे प्यार करते रहे, सपोर्ट करिए। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाली, आप लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे जो भी देख रहा है मेरा कॉमन फ्रेंड इंस्टाग्राम वाला, सो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। आप एक बारी रॉक कर देंगे गाइज, बहुत मजा आएगा आपको वीडियोस में। सो मैं जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा इतनी ज्यादा वीडियोस लाने की। सो मुझे प्यार करते रहिए, दुहारते रहिए, क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है गाइज, ये था मेरा इंट्रो। तो मैंने सोचा वीडियो बनाने से पहले मैं एक बारी बता देता हूँ अपने दोस्तों को कि मैं क्या प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है गाइज, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो मैं चलता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये तो मेरा इंट्रो था, और वीडियो में आता हूँ नेक्स्ट, मिलते हैं, बाय बाय, शब्बा खैर। और ठीक है गाइज, मैं